हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि आप अपने पेन ड्राइव या ड्राइवर को किस तरह से हाइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपने पीसी या लैपटॉप में किसी भी पेन ड्राइव को इंसर्ट अगर करेंगे और माई पीसी में ओपन करके जब देखेंगे तो वहाँ पे आपका पेन ड्राइव शो नहीं करेगा। उसी तरह से आप अपने ड्राइव को भी हाइड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताऊँगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अपने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिए जिसको हम लोग हाइड करने वाले हैं। तो मैंने पेन ड्राइव को इंसर्ट कर दिया, दिस पीसी में खोल के देख सकते हैं आप, यहाँ पे पेन ड्राइव मैंने इंसर्ट कर दिया है। उसके बाद हम लोग जो हाइड करेंगे दोस्तों, वो हम लोग करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट से हाइड करेंगे। तो उसका दो ऑप्शन है ओपन करने का दोस्तों। पहला ऑप्शन तो आप यहाँ से स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पर देख सकते आप रन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे ये कमांड दोस्तों, compmgmt.msc, ये इसका कमांड है दोस्तों, इस इंटर करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन हो गया है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया दोस्तों कि हम लोग यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है दोस्तों कि दिस पीसी पे जाके हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देख सकते हैं आप थर्ड नंबर पे है मैनेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से भी कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब हम लोग हाइड करने के लिए जाएंगे दोस्तों डिस्क मैनेजमेंट में। जब डिस्क मैनेजमेंट में आएंगे तो सारा हमारा ड्राइव वगैरह सारा यहाँ पे दिखेगा दोस्तों, पेन ड्राइव भी दिखेगा और हमारे सिस्टम का जो ड्राइव होता है वो सारा यहाँ पे दिखेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे दिख रहा सारा ड्राइव। तो हम लोगों को हाइड किसे करना है दोस्तों, एक बार खोल के हम लोग देख सकते हैं कंप्यूटर में। यहाँ पर देख सकते हैं USB ड्राइव आई है दोस्तों, ठीक है। मैं इसे हाइड करके आपको दिखाता हूँ, ये आई है। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे दोस्तों कंप्यूटर मैनेजमेंट में, ये है मेरा आई, यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा आई। तो हम लोग इसे हाइड करने के लिए इसे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऑप्शन है चेन ड्राइव लेटर एंड पाथ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि लेटर पाथ दिखा रहा है कि कौन सा है, तो आई है। तो इसे हम लोग सेलेक्ट करके रिमूव कर देंगे दोस्तों यहाँ से, यस। जब इसे रिमूव कर देंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिस पीसी को खोलेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे ड्राइवर हाइड हो चुका है, आपका पेन ड्राइव जो था वो हाइड हो चुका है। तो पेन ड्राइव हाइड हो चुका है दोस्तों। तो अब इसे दोबारा हम लोग किस तरह से लाएंगे, तो मैं आपको दोबारा लाकर दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप मेरा 32 GB का पेन ड्राइव ये वाला है। तो अब इसी पर राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से इसी ऑप्शन पे जाएंगे, चेन ड्राइव लेटर एंड पाथ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और अब हम लोग इसको लाना है दोस्तों, हाइड से लाना है इसको। तो हम लोग यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करने के बाद हम लोग असाइन करेंगे कि कौन सा उसमें लेटर देना है। तो मेरा पहले लेटर था दोस्तों आई, ठीक है। आप कोई भी इसमें लेटर आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग आई को ही सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसे ओके करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब हम लोग दिस पीसी को खोलेंगे और यहाँ पर एक बार रेफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं ये पेन ड्राइव आ चुका है। यही सेम कंडीशन है दोस्तों ये हार्ड ड्राइव को हाइड करने के लिए। तो मैं सिंपली मैं एक करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये मेरा ड्राइव एफ है, तो चलिए हम लोग इसे हाइड करके देखते हैं। तो ये एफ है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट में जाएंगे, कंप्यूटर मैनेजमेंट में, और ये देख सकते मेरा एफ ड्राइव यहाँ पर है। तो इसमें भी क्लिक करके राइट क्लिक करके दोस्तों, और सॉरी ये रिकवरी ड्राइवर है दोस्तों, तो ये हाइड नहीं होगा। तो हम लोग किसी और को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है, ऑल सॉफ्टवेयर है, तो इस ड्राइव पे हम लोग चले जाते हैं दोस्तों। तो इसे हम लोग क्लिक करेंगे उसी तरह से सिंपली, फिर यहाँ से राइट क्लिक करके चेन ड्राइवर एंड लेटर पाथ, फिर इसे हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, यस। कर देने के बाद अब इसको यहाँ पे दिस पीसी को खोलेंगे दोस्तों, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नहीं है वो मेरा ड्राइव, ई ड्राइव मेरा यहाँ से गायब है। फिर से लाने के लिए उसको उसी तरह से जाएंगे, इस ड्राइव पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, चेंज पाथ एंड लेटर को करेंगे, ऐड करेंगे, ड्राइव ई देख सकते दोस्तों यहाँ ऑटोमेटिक असाइन है, इसे रहने दें, ओके कर दें। तो
तो ये देख सकते हैं दोबारा ये आ चुका है। अब यहाँ से खोलेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं ये आ चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही सिंपल सेटिंग। तो इस तरह से आप अपने पेन ड्राइव या ड्राइव को बहुत ही इजीली हाइड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।